हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आपके सब मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फिनिक्स ने अपने 40 सीरीज में चार न्यू फोन लॉन्च कर दिए हैं। पहला इन्फिनिक्स नोट 40, दूसरा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो जिसमें कि दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, और चौथा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस। तो आज की वीडियो में आपको इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसा प्रोसेसर होगा, कैसा कैमरा होगा, कितना प्राइस होगा, सारा कुछ डिटेल में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो ये फोन जो बैक से देखने में कुछ ऐसा लगेगा। दो वेरिएंट में ये फोन आएगा, पहला जो लेदर बैक होने वाला है और दूसरा ग्लास बैक। 8 mm का इसका थिकनेस होने वाला है, 190 ग्राम का लाइट वेट होगा, तो काफ़ी मस्त है। और साथ ही साथ आपको जो इसमें IP53 का रेटिंग भी मिलेगा, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी काफ़ी मस्त है। आपको फ्रंट में सेंटर पंच होल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बैक में आपको टॉप साइड में आपको जो कैमरा सेटअप दिया गया है गोल्डन टाइप का, ये काफ़ी मस्त यूनिक लगता है देखने में। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस 10 bits 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन HDR10+ का सपोर्ट नहीं मिलता है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेशर, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और कोर्निंग गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो काफ़ी मस्त है। 1300 nits का ब्राइटनेस और प्रोसेसर के रूप में आपको इसमें जो है MediaTek Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसका जो है अंतुतु स्कोर 5 लाख के आसपास आता है। LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोर टाइप देखने को मिलता है। 12/256 GB इसका वेरिएंट होने वाला है, और इसमें आपको जो है 40 FPS पे गेमिंग खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से चलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 5G सपोर्ट मिलता है, 4G वाईफाई, 5 NFC का सपोर्ट मिलता है, और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। बैटरी में आपको 4600 mAh की बैटरी, 100W का फास्ट चार्जर और 20W का आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, तो काफ़ी मस्त है। और अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 108 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 2 MP का माइक्रो लेंस और एक और 2 MP का आपको जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है OIS सपोर्ट के साथ, तो काफ़ी मस्त है। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी में आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और इससे भी आप फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OS की बात करें तो ये फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स अनवर वर्जन 14 के साथ आएगा। XOS 14 आपको देखने को मिलेगा, 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको जो स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा, JBL के सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, तो काफ़ी मस्त फोन है। अब अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो 25,000 के अराउंड रहने वाला है, इसके अंदर ही रहने वाला, ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मस्त फोन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं कल।